राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ आज कांग्रेस के पीसीसी सदस्य शिवचरण सैनी ने की। भारत जोड़ो यात्रा अलवर जिले में प्रवेश करेगी। इसको लेकर तिजारा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता शमसुद्दीन निम्बाहेड़ी के नेतृत्व में लोगों को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निमंत्रण दिया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता शमसुद्दीन ने बताया कि तिजारा विधानसभा के सभी गांव और ढानियों में जाकर लोगों को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से अवगत कराया गया और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निमंत्रण दिया गया। वहीं महिलाओं और बुजुर्गों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और जोर शोर से मेरा स्वागत भी किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। मैं आपको बता दूं कि भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से और कश्मीर तक जो जाएगी, आज जो भारत जोड़ो यात्रा का जो मालाखेड़े में जो बहुत बड़ी सभा होने वाली है कांग्रेस की और राहुल गांधी की, उसका न्योता दिया जा रहा है जिले में। और ये तिजारा विधानसभा में आज हम खड़े हैं और इसमें शमसुद्दीन की जो नेतृत्व में ये न्योता दिया जा रहा है गाँव गाँव ढांडी ढांडी में। हमारे साथ पीसीसी के मेम्बर भी हैं हमारे साथ शिवचरण जी, उनसे हम बात करेंगे। आज जो ये रैली यानी का जो गांव गांव ढाणी ढाणी जो लोग जा रहे हैं उनको आज हरी झंडी दिखाकर उनको रवाना कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। जो भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली जा रही है कांग्रेस के लिए, ये कितनी फायदेमंद होगी और आने वाले जो 2023 में चुनाव है राजस्थान में उसको लेकर किस तरह से यहाँ पे देखा जा रहा है। सर, क्या लगता है कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा राहुल की तरफ से निकाली जा रही है, कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक जाएगी, क्या लगता है यानी कि 2023 में जो भारत चुनाव है राजस्थान में उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक जो यात्रा निकालनी पड़ी, बीजेपी का राज आने की वजह से बीजेपी ने जो सपने दिखाए थे हमारी भोली भाली जनता को कि 15 लाख आपके खाते में आएंगे, 2 करोड़ हम रोज़गार देंगे, महंगाई कम करेंगे, आज चरम सीमा पर महंगाई पूरे देश में बढ़ी हुई है, गरीबों का पालन पोषण नहीं हो रहा है, इतने संसाधन जो होने चाहिए बिजनेस के वो भी नहीं हो पा रहे हैं, मजदूर वर्ग और हमारे गरीब तबके के जो किसान लोग हैं वो सब कुचले जा रहे हैं। इसी संबंध में माननीय राहुल गांधी जी ने और हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो ये योजना बनाई है, बहुत ही अच्छी योजना बनाई है, आम जनता की हमारे नेता सुन रहे हैं और बहुत ही समर्थन कांग्रेस पार्टी को हमारे राहुल गांधी जी के नेता हैं जो राष्ट्रीय, उनको मिल रहा है। और अलवर ज़िले में भाई शमसुद्दीन जी के नेतृत्व में तिजारा विधानसभा में ये जो गांव-गांव ढाणी ढाणी जाकर जो संदेश हम दे रहे हैं, 18 या 19 तारीख को राहुल गांधी जी अलवर ज़िले में प्रवेश करेंगे, उसी संबंध में एक बहुत बड़ी मीटिंग मालाखेड़ा में रखी गई है। मेरा सभी से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस मीटिंग में पहुँचें और इस बीजेपी सरकार को जगाने का काम कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भारत देश बनाया है, इसका निर्माण किया है, 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली ये पार्टी है और बीजेपी जो नफरत का माहौल पैदा कर रही है देश में, इसको मिटाने के लिए सम्माननीय राहुल गांधी जी इस यात्रा को कर रहे हैं जिसका बहुत ही ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। तो आज जो भारत जोड़ो यात्रा के लिए थोड़ा चलते हैं, भारत जोड़ो यात्रा की जो इनविटेशन दिया जा रहा है, गांव-गांव ढाणी-ढाणी लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है किस तरह से लोग, कितने लोग आने की संभावना है इस जो भारत जोड़ो यात्रा में जो कल 19 तारीख को जो सभा होगी राहुल की, आपको क्या लगता है किस तरह से समर्थन आपको मिलेगा? देखिए, मालाखेड़ा में जो प्रोग्राम रखा है जनसभा का, उसमें करीब 3-4 लाख लोगों का हमने टारगेट रखा है और लोगों में उत्साह है। हम बात कर रहे हैं गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर सभी विधानसभाओं में, सभी नगरपालिका क्षेत्रों में, सभी पंचायतों में बूथ लेवल पर हम जा रहे हैं और सभी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पहुँचेंगे, उसकी तैयारियाँ सम्माननीय भंवर जितेंद्र जी, हमारे मंत्री टीकाराम जूली जी और हमारे जिलाध्यक्ष जी योगेश जी मिश्रा जी के नेतृत्व में ये सब चल रहा है और सभी नेता हमारे इस काम में लगे हुए हैं। शिवचरण जी, जैसे लगातार हम बात कर रहे हैं कि तिजारा विधानसभा की बात करें, 10 साल से कांग्रेस यहाँ पर हार रही है और अब क्या क्या रहेगा 2023 चुनाव में, क्या लगता है कि कांग्रेस
को इस जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? अभी जो हाल ही चुनाव हुए हैं उसमें भी कांग्रेस ने बहुत तीसरे स्थान पर आई है, तो आपको क्या लगता है कि क्या इससे कुछ चेंजेस आएगा क्या? देखिए, राजस्थान के अंदर सम्मानीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने जो जनता के लिए कार्य किए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। मेरा स्वास्थ्य नवाब साहब के समय से स्वास्थ्य के संबंध में ज़्यादा पब्लिक से संबंध रहा है। जो 10 लाख रुपए की योजना है और जो इलाज मिल रहा है हमारे राजस्थान में, फ्री इलाज मिल रहा है, और ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं किसानों के लिए, योजनाएं हैं, तो सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कार्य कर रहे हैं उससे सभी वर्ग संतुष्ट हैं। और जो बहुत ही बड़ा काम कर्मचारियों के जो पेंशन योजना का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू किया है उससे पब्लिक बहुत ही सराहनीय कार्य बता रही है, और दोबारा से कांग्रेस का ही राज आएगा राजस्थान में, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमको विश्वास है जनता फिर से कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है। थैंक यू बात करने के लिए कि लगातार हम इस जो रैली को कवरेज कर रहे हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा की को कवरेज कर रहे हैं, जो आज जो गांव-गांव ढाणी-ढाणी जो इन्विटेशन दिया जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा के लिए शामिल होने के लिए, इसमें काफ़ी उत्साह है लोगों में और काफ़ी लोग यहाँ से जुड़ने की संभावना है। तो क्या आज का जो कार्यक्रम है, किन किन क्या टारगेट है जो आज टोटल जो गांव में जाएंगे आज का? देखिए, 4-5 पंचायतों का कार्यक्रम हमारा रोजाना आदरणीय शमसुद्दीन जी के नेतृत्व में चल रहा है, और रोजाना हम 4-5 पंचायतों में जा रहे हैं और सभी लोगों से अपील कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है, और पब्लिक इस यात्रा से खुश है क्योंकि जो बीजेपी का जो राज है उसमें जो ये जुमलेबाजी करते हैं, पब्लिक को बरगलाते हैं, हम पब्लिक को जगाने का काम कर रहे हैं। पब्लिक से हमारी अपील है, आम जनता से, कि फिर से वही जो भारत में कांग्रेस ने जो निर्माण किया है भारत का, जो संसाधन बनाए हैं उनको बीजेपी बेचकर खा रही है और सभी चीज़ों को बिगाड़ रही है, और भाईचारे का जो माहौल बीजेपी बिगाड़ रही है। हमारी सभी से अपील है कि आपस में हम भाईचारा बनाकर रखें और कांग्रेस के साथ जुड़ें। तो अभी जो ये भारत जोड़ो यात्रा की जो इनविटेशन दिया जा रहा है, जैसे आप शामिल हुए हैं, तो इसमें कोई और बड़े नेता आने वाले हैं इसको सपोर्ट करने के लिए? देखिए, कल भंवर साहब तिजारा विधानसभा में आ सकते हैं और नवाब साहब भी आ सकते हैं, जो हमारे बड़े नेता हैं सभी अभी राहुल जी के साथ लगे हुए हैं, सभी व्यस्त हैं, और तिजारा विधानसभा में भी आने का उनका प्रोग्राम है। 3-4 रोज पहले भी हमारे प्रभारी जी आए थे और उन्होंने आगाज किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को सभा स्थल तक पहुँचाएँ। थैंक यू बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ शिवचरण सिंह, और आपको मैं बता दूँ लगातार जो भारत जोड़ो यात्रा के इनविटेशन दिया जा रहा है, काफ़ी लोगों में उत्साह है इसको लेकर, और लगातार इसकी हम कवरेज आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, वहीं कुछ दिनों बाद भारत जोड़ो यात्रा अलवर जिले में प्रवेश करेगी। इसको लेकर तिजारा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता शमसुद्दीन निम्बाहेड़ी के नेतृत्व में लोगों को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निमंत्रण दिया जा रहा है। शमसुद्दीन का गांव-गांव में महिलाएं और बुजुर्ग की ओर से जोरदार स्वागत किया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता शमसुद्दीन ने बताया कि तिजारा विधानसभा के सभी गांवों और ढाणियों में जाकर लोगों को महंगाई, बेरोजगार, भ्रष्टाचार से अवगत कराया गया और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निमंत्रण दिया गया, और महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों का भारी समर्थन मिल रहा है। लोगों का कहना है ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए लोग उत्साही हैं। ब्यूरो रिपोर्टर, टीवी नेटवर्क राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। आज का भारत जोड़ो यात्रा के जो इन्विटेशन दिया जा रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को साथ, और आप देख रहे हैं कि शमसुद्दीन की नेतृत्व में यह गांव-गांव और ढाणी-ढाणी जो इन्विटेशन दिया जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा में, आप मेरे पीछे आप देख रहे हैं माताएं, बहनें बहुत सारी खड़ी हैं स्वागत के लिए। इतना उत्साह है भारत जोड़ो यात्रा के लिए और शमसुद्दीन के जो स्वागत के लिए, आप देख रहे हैं कितनी माताएं बहनें यहाँ पे खड़ी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, और आप देख रहे हैं कि पूरे गांव-गांव के लोग, मैं कैमरामैन से पूछे मैं दिखाऊंगा कितने लोग भाग भाग के आ रहे हैं कि ताकि लोग शमसुद्दीन का स्वागत करें और देखें कि ये क्या है आज का जो माजरा, जो आज यहाँ पे गांव में जो आए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा की जो इन्विटेशन देने के लिए आए हैं। और
और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए, जो यानी का 19 तारीख को जो मालाखेड़ा में भारत जोड़ो यात्रा की बहुत बड़ी सभा होने वाली है, जो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर तक जाएगी और अलवर जिला उसमें शामिल है, जो एक बड़ा महत्वपूर्ण पल रहेगा जो 19 तारीख को जो भारत जोड़ो यात्रा रहेगा, ये देखो। और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जो आज का जो कार्यक्रम है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, जो शमसुद्दीन नेतृत्व में ये जो इनविटेशन दिया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? सरपंच नसरू खान जी। सरपंच साहब क्या कहेंगे इसमें? ये है कि जो हमारा नेता राहुल गांधी जी राजस्थान के अंदर 4 तारीख को प्रवेश कर चुके हैं, उसके लिए हमारे जो शमसुद्दीन जी हैं निमाहेड़ी, इनके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसको ये बाखूबी निभा रहे हैं और लोग इनका इनको देखने के लिए, इनका स्वागत के लिए, और जो 19 तारीख को जनसभा राहुल गांधी की मालाखेड़ा में होने जा रही है, उसके लिए ये लोग बेताब हैं और भारत जोड़ो यात्रा में टोटल शामिल हो रहे हैं। सरपंच साहब, आप प्रेजेंट भी सरपंच है? पूर्व सरपंच। जो पूर्व सरपंच है, लगातार जिस तरह हम बात करें तिजारा विधानसभा की, बात करें जो तिजारा विधानसभा आने वाले 2023 में जो चुनाव है, क्या रहेगा, क्या मानते हैं आप उसमें? जनाब ये रहेगा कि जो हमारी 2 बार कांग्रेस यहाँ से पार्टी हारी है, वो बाहरी के नाते हारी है जी। और अगर यहाँ से पार्टी हमारे लोकल के लिए और वो भी शमसुद्दीन जी के लिए अगर टिकट दिया जाएगा, तो इंशाल्लाह हम भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस को यहां से जिताएंगे। नहीं, मेरा कहने का सवाल ये था कि जो लगातार 10 साल से जो कांग्रेस तिजारा में हार रही है, तो इस क्या कारण था जो हारने का, और इस बार क्या रहेगा? कारण यही था कि बाहरी लोगों के लिए जो दिया गया था, जैसे अगर किसी लोकल के लिए यहाँ हमारे को टिकट दिया जाएगा, तो इंशाल्लाह उसकी हर हालत में जीत होगी। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम जो भारत जोड़ो यात्रा के जो इनविटेशन की जो रैली, यानी कि गांव-गांव ढाणी ढाणी वो जा रहे हैं उनको नोता देने के लिए, उसको हम कवर कर रहे हैं। और लोगों के जो मन की बात निकल के सामने यही आ रही है कि आपकी बार जो लगातार कांग्रेस 10 साल से तिजारा विधानसभा में हार रही है, वो यही कारण है कि क्योंकि बाहरी को टिकट मिलता है, यहाँ का कोई अपना तिजारा का अपना कोई आदमी नहीं है, ताकि इसीलिए वो हार रही है। अब आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस किसको वहाँ टिकट का दावेदार बनाएगी, ये तो वक्त बताएगा। और लोग हमारे साथ, आपका क्या नाम है? डॉक्टर अब्दुल ही नाम है जी। क्या नाम, क्या कहेंगे जो आज जो भारत जोड़ो यात्रा है? हमारा कहने का है कि हमारे जितने कांग्रेस पार्टी के उच्च अधिकारी हैं, जो माननीय नेता हैं, उन्होंने हमारे तिजारा विधानसभा क्षेत्र से शमसुद्दीन को जो जिम्मेदारी भारत जोड़ो यात्रा की सौंपी है, तो इस विश्वास पर सौंपी है कि ये पूरे मेहनती आदमी है, मेहनत करेंगे और हमारे को हाथ बढ़ाएंगे। तो आप क्या, जिस तरह से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली है कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी, इससे कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा? इससे कांग्रेस को फायदा ये मिलेगा कि हर आदमी परिचित होगा और हर आदमी के दुख सुख की पूछताछ होगी, हर आदमी दुख सुख का बताएगा, उसे आगे उस पर सोच विचार किया जाएगा, तो इससे संगठन भारी बनेगा। आप देख रहे हैं, देखना ये वाली बात होगी कि जैसे हिमाचल में चुनाव हुए हैं, गुजरात में चुनाव हुए हैं, MCT का दिल्ली में चुनाव है, वहाँ कांग्रेस बहुत पीछे पायदान पे, अब इससे कितना फर्क पड़ेगा? राजस्थान में भी अगले 2023 में चुनाव है, उससे कितना फर्क पड़ेगा भारत जोड़ो यात्रा से, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जो आज की हम अलवर जिले की बात करें, तिजारा विधानसभा की बात करें, तो शमसुद्दीन को जो ये जिम्मेवारी दी है जिला कांग्रेस कमेटी ने, कि गांव-गांव जाके, ढाणी ढाणी जाके आप सभी लोगों को इनवाइट करें जो भारत जोड़ो यात्रा में, जो मालाखेड़े में जो बड़ी जनसभा होने वाली है। और हमारे साथ शमसुद्दीन जी है, आप देख रहे हैं कि लोग कितना उत्साह है उनके स्वागत के लिए, लोग खड़े हुए हैं, माताएं बहनें खड़ी हुई हैं, बच्चे खड़े हैं। तो शमसुद्दीन जी, जो आपका गांव-गांव जहाँ में भव्य स्वागत हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से मानते हैं? लोग बेताब हैं भारत जोड़ो यात्रा को जुड़ने के लिए और एक मन की बात सुनने के लिए। एक तो मन की बात वो थी कि जो मोदी जी अभी तक सुना रहे हैं लोगों को, लेकिन एक मन की बात वो है जो राहुल गांधी जी केरला से लेके कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर तक जाने वाले हैं, वो मन की बात है। क्योंकि मन की बात तब होती है जब आप मन से करें, खाली आप रेडियो पर बैठ के मन की बात करेंगे तो वो मन की बात नहीं है। ये सारे लोगों की आवाज़ है राहुल गांधी जी के साथ में,
और अब तो ये है कि कल जो है एक पूर्व मंत्री हैं बीजेपी के रोहतास शर्मा जी, उन्होंने बोल दिया है कि भाई जो बीजेपी की यहाँ पे जनक्रोश यात्रा चल रही है वो टोटल पूरी तरीके से विफल हो गई है, और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, हम लोग तो ये जिम्मेदारी लेके मतलब चल रहे हैं यहीं पे सब जगह तिजारा विधानसभा में कि भाई किस तरीके से लोगों को जोड़ना है। तो हम सब जगह जो इनविटेशन दे रहे हैं, आप देख रहे हैं लोगों को किस तरीके से भीड़ जमा हो रही है और लोगों को किस तरीके से हुजूम दिख रहा है, तो वो जो है रोहतास शर्मा जी ने बिल्कुल साफ साफ बयान दे दिया है कल कि उनकी यात्रा जो है विफल हो गई है। जनक्रोश यात्रा जो बीजेपी की चल रही है उसमें कोई भीड़ नहीं आ रही है, नेता अपनी बात खुद ही सुन रहे हैं, कोई सुन भी नहीं रहा है, नेता भी नहीं सुन रहा अपनी बात, उनके जो अपने नेता हैं वही भाग जाते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं नेताओं की कोई बात नहीं, हम लोग को नेता तो है नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और गांव-गांव ढाणी ढाणी जाके ये संदेश दे रहे हैं, ये इनविटेशन दे रहे हैं, ये नोता दे रहे हैं कि भाई 19 तारीख को मालाखेड़ा में राहुल गांधी जी की जो सभा है उसको सफल बनाना है और सारे लोगों को एक साथ जुड़ के चलना है। अभी ये टिकट विकट की बात करना फिजूल है, जो पार्टी चाहेगी पार्टी का जो निर्णय होगा उसी में जो है सबका सम्मान है, और सबका जो एक नारा उन्होंने दिया था लेकिन वो नारा सच यहाँ पे होता है कि सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास, ये जो है कांग्रेस का काम था और कांग्रेस ही करेगी, और यही कांग्रेस के साथ में पहले से है और यही आज भी है। तो ये तो आप जो नारा बता रहे हैं ये तो बीजेपी का नारा है, तो आपको क्या नहीं, वो उन्होंने तो वो गलत नारा दे दिया ना, वो तो उनका उनका नारा तो ये होना चाहिए था, उनका नारा तो ये होना चाहिए था के सबका साथ और उनका अपना विकास, तो उनका 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 नारा तो ये होना चाहिए, लेकिन ये जो है हाँ ये जो है नारा जो है ये तो कांग्रेस का है, सबका साथ सबका विश्वास और सब जो है सबको साथ में लेके चलना, ये कांग्रेस की परंपरा है, और जब से पार्टी बनी है 100 साल से ऊपर हो गए, देश आज़ाद करवाया कांग्रेस की, उसमें कितना योगदान रहा और किस तरीके से लोग उसमें जुड़े उस उन यात्राओं में, और आज जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो यात्रा जा रही है राहुल गांधी जी की उसमें किस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं आप सब लोग देख रहे हैं, और गांव-गांव ढाणी ढाणी हम यहां पे जा रहे हैं, आप प्रेजेंट में देखिए, आप वहां चलिए उस यात्रा को तो आप उस पर देख रहे हैं लेकिन इस यात्रा को आप बिल्कुल सामने आमने देखिए कि लोग कितनी बेसब्री से उस यात्रा का इंतज़ार कर रहे हैं जो राहुल गांधी जी की यात्रा आ रही है। हम तो नौता देने का काम कर रहे हैं हर गाँव में हर ढाणी में जाके, और मालाखेड़ा के लिए बोल रहे हैं 19 तारीख को आप आइए, और पूरा तिजारा विधानसभा में हम घर घर ढाणी ढाणी जा रहे हैं इस यात्रा को लेकर। तो आप देख रहे हैं कि कोई ये चुनाव नहीं है, कोई एमएलए का चुनाव नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, लोग जो आज के जो कार्यक्रम है ये केवल ही कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है और अलवर में पहुंचने वाली है उसका इनविटेशन देने आई है, और लोगों में काफ़ी उत्साह है, कोई लोभ नहीं है कि आज चुनाव है चुनाव की वजह से लोग आ रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए लोगों को इन्वाइट करने के लिए ये हुजूम जो उमड़ रहा है, लोगों का इतना चाहना है, लोगों में इतनी खुशी है। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ बहुत सारी माताएं बहनें खड़ी हुई थी और बहुत सारी यहाँ आई हुई थी, और वो भी इसीलिए आई है कि क्या वास्तव में कि जो आज का जो कार्यक्रम है क्या लोगों में ये मैसेज जा रहा है कि क्योंकि आज कौन से चुनाव चल रहा है, लेकिन ये चुनाव नहीं है, ये केवल भारत जोड़ो यात्रा की जो इन्वाइट करने के लिए लोगों में इतना उत्साह है वो चुनाव जैसा माहौल बना हुआ है। तो लगातार हम भारत जोड़ो यात्रा की जो कवरेज है, जो लोगों को इन्विटेशन दिया जा रहा है शमसुद्दीन निबेहड़ी के नेतृत्व में, उसको हम कवर कर रहे हैं और लोगों के राय भी ले रहे हैं कि आने वाला 2000 चुनाव में क्या माहौल रहेगा। तो आपसे बात करेंगे। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ सर, आपके माध्यम से बीजेपी की हमारी में अलग अलग नीति है, हम तो हमारी जो कांग्रेस पार्टी है हम तो सब भाइयों को 36 बिरादरी को एक साथ लेकर चलते हैं, और बीजेपी का तो ये कभी 80-20 को नारा दे दिया, कभी भाई भाई ने लड़ानिया, हमारा तो ये कि संदेश है ये हमारा हिंदुस्तान है, हम सब भाई हैं और सबको हमारी औरत महिला सभी मिलजुल के इतना बड़ा स्वागत हो रहा है। देखो चुनाव का तो एक साल है अभी, लेकिन हम जो हमारी तैयारी है राहुल की, राहुल 24 में प्रधानमंत्री बनेगा, आम जनता की आवाज़ है। मोदी तो रेडियो पर बैठ के बात करता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाना कोई कहना तो आसान है, 6000 किलोमीटर जो पैदल चल रहा है बंदा, जिसको मतलब पैरों में छाले हो रहे हैं, तो ये पूरी हिंदुस्तान उसको देख रहा है और हर आदमी के ये हमदर्दी हो रहा है। अगर ये आदमी इनने तो पहले ही अंग्रेजन ने भगाए या ये पार्टी ना कांग्रेस ने भगाए, ये तो हमारा ये कि संदेश है सारे भाई एकजुट होकर है नहीं, और इस देश में अमन सैन से रहा और हर भी देश में हमारी एक छाप है, अब हिंदुस्तान जैसा मुल्क कहीं भी नहीं है। तो यही मेरा कहना है,
और भाई चुनाव की तो ये है जो कोई मेहनत कर रहा है गाँव गाँव में, अब भाई शमसुद्दीन मेहनत कर रहे सारे कांग्रेस ही कर रहा, भाई जो मेहनत करेगा भाई फल तो जनता देगी, तो ये है मेरा संदेश। तो आप देख रहे हैं कि लोगों में कितना पॉजिटिव सोच है, आप देखें मैं आपको बता रहा थी यहाँ माताएं बहनें यहाँ पे खड़ी हुई हैं, बहुत सारी यहाँ पे खड़ी हुई हैं, आप देखें कितनी खुशी है, ऐसे लग रहा है कि कोई शादी का माहौल है यहाँ पे, लेकिन ये भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम है, लोगों को इन्वाइट करने के लिए आए, उनमें खुशी है, वो जानने की जिज्ञासा है कि आखिर ये हो क्या रहा है, उनको ये पता नहीं किस लिए आए हैं, लेकिन लोगों में बच्चे भी ये पता है कि हाँ भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो आई है, आज यानी 19 तारीख तक हमारे अलवर जिले का भी उसमें शामिल किया है, अलवर जिले में भी वो भारत जोड़ो यात्रा यानी कि राहुल घूमेगा और लोगों से रूबरू होगा, लोगों से बात करेगा। माताएं बहने हैं आप लोग क्यों आए जो भारत जोड़ो यात्रा जो निकल रही है, किस क्या क्या कहेंगे? हम तो खूबी की बढ़िया सोचा जे कोई हमारे बढ़िया नेता हुए, हमारे महंगाई का कम कर देवे, हमारे नौजवान गांव गांव में बस पंचायत समिति में जो डल रहा पंचायत में उसको कोई कार्रवाई होवे, नौकरी मिल जाए, हम उसी में प्रशंसा करें। तो आपका क्या नाम है? तो आप क्या के माँ? चमेली चमेली कहता जी, हम तो गरीब मानस जी, हमारी भी कुछ होनी चाहिए। तो आप देखिए माताएं बहनें सबको यही कहना है कि ज्यादा अच्छे से अच्छा नेता जो आए राहुल है वो सारी जी के जो काम को हल करेगा। तो महंगाई इतनी कर दी मोदी ने, कहा दिया 500 रुपया की तनख्वाह, 500 रुपया की तनख्वाह, कहा गरीब आदमी सब तरह परेशानी कूट रहा, हम या महंगाई से हम भूखा पिसाया पड़ रहा, बच्चा भी डीजल गैस सब। तो आप देख रहे हैं कि जैसे हमने लोगों में कवरेज किया, पिछले महीने हमने कवरेज किया था, एक गांव में गए थे कि माँ, एक गांव में हम गए थे कि उन्होंने कहा था कि मैंने उससे पूछा कि माँ क्या हाल चाल है, तो माँ ने कहा कि बेटा इतना बुरा हाल है कि हम जो सर के तेल लगाते हैं वो भी नहीं लगाया जा रहा, क्यों? क्योंकि वही 200 रुपये किलो हो गया है, कि ये सबसे बड़ा एक काम है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, जो सबसे ज़्यादा महंगाई है जो इस, तो लगातार हम इस चैनल से और आपको भारत जोड़ो यात्रा और इस तरीके कवरेज आपको लगातार देते रहेंगे। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान, मैं हूं आपके साथ जमशेद खान।